सलमान खुर्शीद के द्वारा दिए गए विवादित बयान और उनकी पुस्तक में छपे विवादित बयान के बाद अब हिंदूवादी संगठनों में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। नैनीताल के सतखोल में स्थित सलमान खुर्शीद के घर में आज हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद यहाँ पर आगजनी की जो है घटना को अंजाम दिया गया है। जो यहाँ के केयर टेकर हैं वो बता रहे हैं कि करीब 7 से 8 बार उनके घर में यहाँ पे फायर किया गया है। हालांकि घटना के बाद जो नैनीताल पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है। मुक्तेश्वर से पुलिस आई है और आसपास के जो थाने और चौकी है वहाँ से पुलिस आई है। क्या घटना हुई जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के केयर टेकर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम? सुंदरलाल सर। सुंदरलाल जी, क्या घटना हुई, क्या हुआ था दिन में? सर ये 1:30 बजे आए, पता नहीं, मैं तो उधर काम कर रहा था, ये लोग आए, मेरे बहू यहाँ पर घास काटी थी, औरत भी घास काटी थी, लड़की थी, अल्मोड़ी से बुला रखी थी, तो इन लोगों ने उनको डरा धमका करके धक्का मुक्का मार करके रिवॉल्वर उनके सिर में रख करके उन्हें कहा तुम कौन होते हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, ये है सो है। बच्चों को क्या मतलब इसमें हिंदू है या मुसलमान है करके, हम तो यहाँ रोजी रोटी के लिए लगे हैं सर, अपना रोजी रोटी आप कमाते हैं खाते हैं, 2 रोटी शाम को हमको मिल जाएंगे, मेरा परिवार है। ये लोगों ने मेरी लड़की को भी धमकी दी, मेरी बहू को भी धमकी दी, मेरी औरत को, बीमार औरत, 5 साल की बीमार, 5 महीने की बीमार औरत को धक्का मार मुड़ करके इन्होंने। कितना खतरा है आपको? खतरा क्या, इन्होंने मेरे को रात में भी धमकी दी रखी है कि मेरे बच्चे कह रहे थे कि हम रात में आएंगे पूरी बिल्डिंग को आग के हवाले कर देंगे। गोलियाँ चलाई? गोलियाँ चला रखी हैं सर, ये गोलियाँ देखो आप खोखे हैं यहाँ पर। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि करीब 7 से 8 राउंड यहाँ पे फायर किए गए हैं। आप ये देखिए यहाँ पे अभी भी गोलियों के मौजूद हैं, जो निशान मौजूद हैं, कुछ जो राउंड है वो अंदर भी गिरे हैं। हमारे साथ ऐसो महोदय हैं मौजूद, उनसे पूछते हैं सर किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ लोग पहचाने गए हैं इसमें कौन है? जैसे कि सूचना मिली थी हम लोगों को, सूचना में तत्काल हम यहाँ पहुँचे तो लोग यहाँ से करीब इनके द्वारा बताया गया कि 20 लोग लगभग थे, उनके द्वारा एक पुतला दहन का कार्यक्रम था। पुतला दहन करने के बाद उसमें से 1-2 लोग जिन्होंने आरक्षक फैलाई, इसमें इसने कुछ आग जली करी और उसमें कुछ इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पिस्टल से फायर वगैरह की गई है। स्थानीय लोग बताए जा रहे हैं इसमें, और एक की शिनाख्त हुई है राकेश कपिल के नाम से, मुकदमा इसमें दर्ज किया जा रहा है और तफ्तीश जारी है। पुलिस अब मामले में लगातार तफ्तीश कर रही है। एक आरोपी की अब पहचान हो चुकी है जिसके द्वारा यहाँ पे पूरी घटना को अंजाम दिया है, बाकी पुलिस अपने हिसाब से अब कार्रवाई कर रही है। नैनीताल के सतखोल से गौरव जोशी।